गवर्नमेंट ने मिलकर एक प्लान बनाया था कि अगली बरसातों से पहले हम कम से कम अपने जो ड्रेनेज सिस्टम है उसको इतना बेहतर कर दें कि जो प्रॉब्लम इस बरसातों में हुई थी वो ना आए। उसके साथ साथ जब हम दोनों फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट मिले तो जो वेरियस प्रोजेक्ट्स कराची सिटी के लिए थे जिनमें पानी की सप्लाई के प्रोजेक्ट्स हैं, K4 था, हमारे जो सीवेज ट्रीटमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं, फिर रोड नेटवर्क के जो प्रोजेक्ट्स थे, मलीर एक्सप्रेसवे था, हमारी जो तीन मास ट्रांजिट लाइन्स हैं जो कि ग्रीन लाइन और येलो लाइन और रेड लाइन, जो ग्रीन लाइन कंस्ट्रक्शन के कंप्लीशन के स्टेज में, बाकी दो डेवलपमेंट के स्टेज एडवांस स्टेजेस में उनकी बात हो, और फिर इसके अलावा और भी जो कराची के प्रोजेक्ट्स हैं उनका कि होलिस्टिकली देखें ताकि जो फेडरल गवर्नमेंट यहाँ पे कर रही है काम और प्रोविंशियल गवर्नमेंट कर रही है, और उसके साथ साथ हमने उसमें KMC को मिलाया कि जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन काम कर रही है वो सिनर्जीज क्रिएट हों और काम एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करे। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि फेडरल गवर्नमेंट ने हमारे साथ मिलकर इनिशियली कुछ मीटिंग्स हुई और फिर फाइनली कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी जिसमें असद उमर साहब, अमीर लख साहब, अली जैदी साहब और मेरे साथ सईद गनी साहब और नासिर शाह साहब हुए। हम ये 6 लोग बैठ के हमने कुछ ब्रेन स्टॉर्म किया। मैं थैंकफुल हूँ इसमें जो पाकिस्तान आर्मी NDMA और FW उनके लोगों ने भी हमारी मदद की, सुप्रीम कोर्ट ने भी इसका नोटिस लिया हुआ था, और इन सब चीज़ों को मिला के हमने एक इनिशियल प्लान बनाया था जो प्राइम मिनिस्टर ने खुद आगे कराची में जिसका बताया था। सब्सिक्वेंट टू दैट हमने ड्रेनेज का काम पहले शुरू करने की, बाकी काम तो हो रहे हैं बिकॉज वो फेडरल गवर्नमेंट अपने कर रही है और प्रोविंशियल गवर्नमेंट अपने कर रही है, लेकिन हम वो स्टार्ट एक दूसरे से डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन एक काम ऐसा था जो नालों की क्लीनिंग और उनकी सुपरविजन के लिए हमने कहा था कि बिल्कुल साफ काम करेंगे, और स्टॉर्म वाटर ड्रेन के लिए ये फैसला किया गया कि जो हमारे दो नेटवर्क हैं जारी रिवर और एक बड़ी रिवर का नेटवर्क, इसके साथ जो तीन बड़े नाले हैं महमूदाबाद, गुज्जर और रंगी नाला, इन पर हम पहले काम शुरू करेंगे, और उनके साथ साथ उनकी जो फैसिलिटीज हैं यानी जो इनको ट्रीट करती हैं उनको भी हम देखेंगे कि उनके इंक्रोचमेंट्स हैं या उनमें उनकी गुंजाइश बनाने की अगर कहीं जरूरत है या उनकी सफाई की कहीं जरूरत है, उस साथ काम करेंगे। पहला प्रोजेक्ट हमने उस सिलसिले में अहमदाबाद नाले कर लिया, और मैं ये बताते हुए आपको खुशी हो रही कि उस प्रोजेक्ट में हमने इनिशियली बड़ी बातें ये थी कि इतना खाली करना है, और हमने और फेडरल गवर्नमेंट ने दोनों की यही राय थी कि सबसे पहले लोगों को कम से कम तकलीफ हो वो हमने सोल्यूशन करा, एन डी यूनिवर्सिटी को हमने दावत दी तो हमारी मदद करें, एन डी यूनिवर्सिटी ने महमूदाबाद नाले तीनों नालों के लिए हमने उन्हें कहा, और महमूदाबाद नाले के लिए तकरीबन एक महीना पहले उन्होंने अपनी फाइनल रिपोर्ट दी, आज से 3 हफ्ते पहले तकरीबन हमने PCIC की मीटिंग की, 2 हफ्ते पहले कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग की और उसको अप्रूव किया उस प्लान को। उस सिलसिले में गुजर नाले महमूदाबाद नाले से तकरीबन 238 मकानात थे, हमने कहा सॉफ्ट इंक्रोचमेंट हुए उनको तो इश्यू मिलेगा, लेकिन 238 मकानात थे जो पार्शली या फुली नाले की विद्य और नाला डिजाइन ऐसे कराया था कि जो पानी का ड्रेनेज है इस पूरे कैचमेंट में उसको वो ड्रेन कर जाए समंदर तक ले जाए, और इसके साथ साथ दोनों साइड पे हम रोड बनाएं और छोटी सी फुटपाथ हो दोनों साइड पे ताकि वो प्रोटेक्ट हो इंक्रोचमेंट से आगे जाते हुए भी, और इन नालों को पक्का भी करना है, महमूदाबाद नाले और बाकी नालों को लाइन भी करना है। ये पहला उस सिलसिले में जैसे मैंने बताया 238 हाउसेस थे, एज ऑफ राइट नाउ आज हमने मीटिंग की 205 मकान या जो इंक्रोचमेंट्स थे उनको उधर से हटाए जा सकते हैं, और खुशी की बात ये है कि जब हम सारी पार्टी से मिलकर पार्टी वगैरह पार्टी से लोगों ने मिलकर काम किया, लोगों के पास अप्रोच किया, तो बड़ी पीसफुली ये सब तक आज हमारी जो इंक्रोचमेंट की टीम थी वो भी आई हुई, हमने उनसे पूछा सारे लोग, उन्होंने कहा कि नहीं जी इतना पीसफुली था कि कई जगह पे जो हमारे वर्कर्स थे उनको चाय भी पिलाई लोगों ने,
और खाना भी खिलाए, क्योंकि वो देख रहे थे कि ये बेकरी के लिए सब उनके काम कर रहे थे। 205 क्लियर हो चुके, बाकी 33 रेजिडो नेक्स्ट वीक हो जाएंगे, और वहाँ भी हमें एश्योर किया कि हमारी टीम भी हो चुकी है। वहाँ कोई इशू नहीं है, सिर्फ टाइम लगा है, हमें शुरू हुआ है वो भी इंशाल्लाह अगले हफ्ते में हो जाएंगे। उसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि NDMA इस काम को करे, तो NDMA ने वो काम शुरू कर दिया, और NDMA ने SWO को एग्जीक्यूट करने के लिए कहा है, और SWO भी मोबिलाइज होगी इस वक्त साइट पर, उन्होंने काम शुरू कर दिया, फाइनल डिजाइन हो रहा है, और कोशिश यही होगी कि न सिर्फ ये नाला बल्कि बाकी दो नाले और उनकी टिकी से पूरा सिस्टम अगले मानसून से पहले, मैं कह रहा हूँ कि मई जून से पहले तक हम इसको कंप्लीट कर दें। दूसरा नाला जो है बिजल, उसकी भी आज हमने मीटिंग ली, उसमें भी हमने देखिए जो भी प्रिंसिपल जो कि हमने महमूदाबाद नाले के लिए एक यूनिफॉर्म प्रिंसिपल ले ली कि कहीं से ज़्यादा लोग कहीं नहीं, वही प्रिंसिपल यानी जो नाले की रिस्क की रिक्वायरमेंट हमें टेक्निकल लोग बताएंगे, और उसके साथ जो रोड की रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से एक एस्टिमेट बनाए, और इंशाल्लाह बिजन नाले और उसके बाद रंगी नाले पर भी ये काम शुरू होगा। बहुत अच्छी बात है कि शहर के लिए सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं वो मिल के हम काम कर रहे हैं, और एक पॉजिटिव तरीके से काम हो रहा है, और मैं दोनों पोलिटिकल पार्टी CPI और MPMSP की दोनों की रिप्रेजेंटेशन पीपल्स पार्टी के साथ इस कोऑर्डिनेशन कमेटी में उसके शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने पॉजिटिवली इस चीज़ को देखा है, और पॉजिटिवली देखने से यही हुआ है कि जैसे मैंने आपको बताया कि इंक्रोचमेंट हटाना एक मेजर इश्यू बन जाता है, लेकिन जब लोगों ने देखा मेरे ख्याल में कराची वाले जो हैं वो कुछ अरसे से देख रहे थे हमारी तरफ, सबकी हुकूमत की तरफ भी और वफाकी हुकूमत की तरफ भी, कि जो एक तारीखी ऐलान किया गया वफाक और सूबे ने मिलकर साथ शहर के लिए काम करने के लिए जो वादा किया था, क्या वाकई उसके ऊपर काम होगा या नहीं होगा। इसमें से जैसे चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा कि बहुत सारे मंसूबे ऐसे हैं जो वफाक की जिम्मेदारी है मुकम्मल तौर पे, और कुछ बहुत सारे ऐसे हैं जो सूबे की जिम्मेदारी है, तो उन पर अलग अलग काम कर रहा था हो रहा था, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इस लिहाज से भी अहम था कि बिल्कुल मुश्तरका जहाँ पर काम होना है, और इस लिहाज से भी अहम था कि इसी मंसूबे के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया और जो सारी बातचीत शुरू हुई थी, तो वो मुझे आज बहुत खुशी है कि जो तैयारी की जा रही थी और बड़े साइंटिफिक तरीके से प्रोफेशनल अंदाज से NED यूनिवर्सिटी के डिज़ाइन की बुनियाद के ऊपर वो डिज़ाइन मुकम्मल हो गया, सिंध हुकूमत की जो जिम्मेदारी थी यहाँ से इंक्रोचमेंट्स हटाने की उसके ऊपर इनका काम शुरू भी हो गया, तकरीबन मुकम्मल भी हो गया, सिर्फ 33 घर बाकी रह गए हैं, और ग्राउंड के ऊपर वफाक ने जो काम करना था वफाक के इदारों ने, FWO ग्राउंड पर है, NDMA की जिम्मेदारी थी, NDMA ने इंगेज किया है FWO को, उनकी टीम ग्राउंड पर आ गई हैं, इक्विपमेंट आ गया और काम शुरू हो चुका है। तो अब जो है ये जो काम होना है उसकी बात मुस्तकबिल में नहीं हम कर रहे हैं, वो काम हाजिर में शुरू हो चुका है, और उसकी एक कामयाबी की एक बड़ी वजह ये भी है कि ज़ाहिर है कि जब सब मिलकर काम करते हैं तो बेहतरी के साथ काम होता है। मेरे ख्याल में ये जो इब्तदा हुई है ये खुशाइंद है, इसी तरीके से अगर हम करते रहेंगे, टाइम बड़ा टाइट है, चीफ मिनिस्टर साहब आप कह रहे थे जून, वो एक्चुअली उसका अभी जो माइलस्टोन दिखा रहे थे हमें वो 17 जुलाई बन रहा था उनका, मतलब एक एक दिन नापा जा रहा है क्योंकि बारिशें आगे आने वाली हैं, कराची के अंदर यही जुलाई अगस्त के महीने में बारिशें होती,
मेरी शादी भी जुलाई में हुई थी, चारों दिन बारिश हुई थी मुझे याद है। तो इसलिए और NDMA की MWO की टीम जो है वो बिल्कुल कमिटेड है इस टास्क के लिए। अब जिम्मेदारी हमारी दोनों हुकूमतों की ये है कि जो भी उनकी राह में रुकावट है, जो अप्रूवल्स हैं, जो हुकूमती सतह पर मिलनी है या फंडिंग मिलनी है, तो वो दोनों तरफ से जो है वो जारी रहे। इंशाल्लाह ताला जैसे इब्तदा अच्छी हुई आगे इसी तरीके से भी चलते रहेंगे। मैं खुसूसी तौर पे इस बात को दोहराना चाहता हूँ और हमारे पास सियासत करने के लिए बहुत सारी और तरीके होते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में ये एक बड़ा अच्छा रोल मॉडल भी है कि सियासी पार्टियाँ जो हैं वो आपस में अपना सियासी इख्तलाफ रखते हुए भी जब तरक्याती कामों और शहर की, सूबे की, मुल्क की बेहतरी का काम हो तो उसके साथ मिलकर भी काम कर सकें, तो वो न सिर्फ मुल्क के लिए, शहर के लिए, सूबे के लिए अच्छा है, मेरे ख्याल में उन सियासी पार्टियों के लिए भी अच्छा है। तो सियासी पार्टियों को भी इससे सीखना चाहिए। तो इसके साथ मैं अमीन भाई से दरख्वास्त करूंगा कि वो भी अपना मौका पेश करें। साहब आज बड़ी खुशी की बात है कि वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमत और MTM की कोशिशों और काविशों से जो 1.1 ट्रिलियन रांची डेवलपमेंट पैकेज पर रखा गया है, अब अल्हम्दुलिल्लाह ये ग्राउंड पे काम होता हुआ नज़र आ रहा है। मुश्तरका कोशिशें काविशें हैं और मैं समझता हूँ कि जिस NDMA भी है और साथ साथ मकसद हल्के भी हैं, इनकी कोशिशें भी शामिल हैं और इंशाल्लाह ताला काम को पाए तकमील तक पहुँचाया जाएगा। लेकिन MTM ये समझती भी है कि ये जो डेवलपमेंट पैकेज काम किया जा रहा है ये आर्जी सहूलतकारी है। वफाकी हुकूमत की, सूबाई हुकूमत की, मैं नहीं समझता कि पानी का मसला हो या सीवरेज का मसला हो या सॉलिड वेस्ट का मसला हो, मैं राहत जमने में नहीं, लेकिन शहर की बेहतरी के लिए, मुल्क की बेहतरी के लिए हम सब मिलकर काम कर रहे हैं। MTM की हमेशा ख्वाहिश रही है कि यस ये तमाम काम मुकामी हुकूमतों का बनता है और अगर मुकामी हुकूमत बाख्तियार होगी, कराची का नौजवान इन्हीं गलियों मोहल्लों से निकलकर अगर शहर की बेहतरी के लिए, सूबा की बेहतरी के लिए काम करेगा, और जो बेसिक चीज़ है कि मुकामी हुकूमतों की जब बात करता हूँ तो इसका मतलब ये है कि कराची भी है, लालखाना भी है, लाहौर भी है, पेशावर भी है, कोटा भी है, यकीनन इसकी बेहतरी के लिए काम हो सकता है। लेकिन यकीनन हम सब मिलकर काम कर रहे हैं और बड़ी अच्छी बात आज मेरा ख्याल है कि बहुत अच्छी बात हुई है जो CM साहब ने की कि जो रोल मॉडल महमूदाबाद में अपना यानी कि इंसाफ की बुनियाद पर, बराबरी की बुनियाद पर, उसी रोल मॉडल को गोजर नाले के ऊपर भी और औरंगी टाउन में भी अपनाया जाए। यस, बराबरी की बुनियाद पर, इंसाफ की बुनियाद पर, हर वो मत जिससे शहर की तरक्की हो रही होगी, जिससे सूबे की तरक्की हो रही होगी, जिससे मुल्क की तरक्की हो रही होगी, MTM पाकिस्तान हमेशा करने से करने मिलाकर चलेगी। तो मैं समझता हूँ कि इट्स ए गुड स्टार्ट, इंशाल्लाह ताला शहर की बेहतरी के लिए काम होता रहेगा। हिंद को कम पैसे मिले हैं क्योंकि एक जिम्मेदार वफाकी वजीर आपके साथ है, तो वजीर आला साहब बकौल आपके के तरक्याती काम जिनके मुतासर होते हैं, पैसे वक्त पर जो है आप नहीं दे पाते, तो क्या इसके मुतालिक भी कोई बातचीत हुई है? और दूसरा, असद उमर साहब आपसे छोटा सा सवाल यह है कि कोरोना वैक्सीन के हवाले से कौन से झूठ बोला गया कि मंगवाई जा रही है, लेकिन कल आपके मुशीर ने एतराज़ किया कि वैक्सीन का कोई ऑर्डर नहीं दिया गया, तो इस तरह के मामला क्यों कौन के सामने आते हैं? एक मैं आपको बता दूं कि आज तो हमारी मीटिंग हुई है, तो हमने कहा ये बात हुई है कि ये बातें होती रहती हैं हमारी, लेकिन आज की मीटिंग के एतबार से जो हमारी एक कोऑर्डिनेशन कमेटी थी उसका जो मैंडेट है हम उसी पे बात करते हैं, उसके बाहर नहीं जाते। तो ये बातें होती रहती हैं हर फोरम पे, लेकिन ये फोरम उसके लिए नहीं था इसलिए आज ये बात नहीं हुई। अदरवाइज हमारी जो पॉइंट ऑफ व्यू है हम कहते रहे, फेडरल गवर्नमेंट भी उसकी बात करती रही। तो मैं आपको जैसे 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 चीफ मिनिस्टर साहब कह रहे थे जैसे चीफ मिनिस्टर साहब कह रहे थे कि हम ये आज जो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कोऑर्डिनेशन कमेटी के इश्यूज जो हैं सिर्फ उसके ऊपर हमने कहा था बात करेंगे,
कोई झूठ भी नहीं बोला गया। मैं उसको बड़ी तफसील से आज शाम को आपको इंशाल्लाह ताला बयान मिल जाएगा। कोई झूठ नहीं बोला गया। जो ऐलान हुआ था कि पहली तिमाही में इस साल की वैक्सीन आ जाएगी, इंशाल्लाह बिल्कुल वैसा ही होगा। और जो उसकी एनएफसी का अवार्ड, वो दोनों का अपना अपना मौकफ है, आपको पता है उसके बारे में। क्या आप सोचते हैं कि कराची की तरक्की को किसने रोका है आज तक? कराची के गटर लाइनों में जो ये लिहाफ और जो बड़े बड़े पत्थर डाले जाते थे, ये कौन डालता था? एक लोग पत्थर डालते जाए, आप निकालते जाए, ये तो नहीं हो सकता भाई। इसी को भी रोकने के लिए आपने कुछ करना होता है। मुझे एक बात है कि आप कराची की तरक्की के तीनों बड़े दावेदार हैं इस वक्त, क्योंकि तीनों स्टेक होल्डर हैं, लेकिन ग्राउंड पर जो है वो आज भी वही सूरत हाल है। मैं सिर्फ दूसरी सतह पर बात बताता हूँ कि अगर यूसी में ना सिर्फ एमसीएम का है तो एनपीए अगर जो है तरीके इंसाफ का, तो वो कहता है बल्कि एनपीए की बदनामी हो, हम क्यों सफाई करें। इसी तरह की नीचे जो है वो लेवल पर बातें बहुत होती है। आप ऊपर ऊपर बैठे, आप जबरदस्त बात है, लेकिन नीचे जो काम हो रहा है उसको कौन मुंह देगा? ठीक है, अगर हम ऊपर से सेट करेंगे तो ऐसा है तो बेटी आएगी। बाकी आपने इस वक्त हम आगे की तरफ देख रहे हैं शहर को, इस सूबे को और इस मुल्क को बेहतरी की तरफ ले जाने के लिए। और ये जो एक एग्जाम्पल सेट करे वो खुली काफी जगह पे भी है। नाला तो आपने किया, इसका तो इतनी ज्यादा सजावदार नहीं थी, लेकिन गुजर नाले पर तो हजारों की तादाद में जो एनडी की रिपोर्ट है और इससे पहले भी बनी थी, वो तो शायद 8-10 हज़ार के करीब है लगभग। उसको अगर आपके पास आपके इल्म हो तो आप अगले मरहले में आप वही देंगे। उन सजावदार के बारे में क्या कोई दोबारा से कोई स्टडी कराई जाएगी? जो एनडी आपको रिपोर्ट दे चुकी है, आप बता दें क्या एक बार एनडी ओपी से हुकूमत रिव्यू करेगी? वो आपको उन्होंने रिपोर्ट दी होगी 8-10 हज़ार की। मैं आपको एक बात बताता हूँ, इनिशियली जैसे मैंने उस्ताद को कहा कि एक निकाला गया था क्राइटेरिया, लेकिन हमने उसको तब्दील किया कि कम से कम लोग अफेक्ट हो, लेकिन उसके साथ साथ टेक्निकली मैं बात कह रहा हूँ कि जो रन ऑफ है जिसका कैचमेंट एरिया है वो पानी वो नाला निकाल सके। तो उस सिलसिले में महमूदाबाद से जैसे मैंने बताया 238 का नंबर है, पहले वो हजारों में आ रहा था। सिमिलरली गुजर नाले पे भी जब उन्होंने उसी क्राइटेरिया को रखा तो नंबर कम हो गया। एग्जैक्ट नंबर अभी मेरे पास नहीं है, नंबर कम हो गया। हम प्रिंसिपल एक ही रखेंगे और इंशाल्लाह ताला जैसे महमूदाबाद नाले की खोजपन सटाने में हमें लोगों ने ताउन किया, मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर वही प्रिंसिपल होगा और लोग देखेंगे कि उनके फायदे की बात है तो हर जगह से हमें ताउन मिलेगा। इस पर मैं ज़रा ऐड कर दूँ कि देखिए ये बिकॉज ये अहम सवाल है आपका। शुरू में इसके ऊपर बातचीत हुई थी कि क्या वहाँ पर कोई सर्वे कराया जाए जिससे ये पता चले कि क्या क्या तजावजात हुई और तमाम तजावजात को हटाया जाए। उसके बाद फिर फैसला ये हुआ था कि वो तजावजात अगर हैं शहर के अंदर तो इख्तियार भी सिंध हुकूमत का है, जिम्मेदारी भी सिंध हुकूमत की है, वो तो एक काम चलता रहता है और तजावजात हटाई भी जाती हैं। जो इस मंसूबे के तहत तजावजात हटाई जाएंगी वो इस मंसूबे को मुकम्मल करने के लिए जो ज़रूरी हैं, तो जो एनईडी के डिज़ाइन के मुताबिक जितने घर वहाँ पर नज़र आ रहे हैं सिर्फ उन घरों को इस मंसूबे की तजावजात हटाने के लिए बांध मसवार किया जाए। शासक यहाँ से ये सवाल है, शासक ये बताइएगा कि जैसा कि आपने कहा कि ये कराची कोऑर्डिनेशन जो कमेटी है ये प्योरली कराची के मसाइल उसके मैंडेट के लिए, लेकिन आलिया मर्दम शुमारी में नज़र ये आया कि कराची के 1 से 1.5 करोड़ लोग जिन्होंने सलमानी टोपी पहनी हुई थी वो मर्दम शुमारी में नज़र नहीं आए। ये यहाँ के वसाइल भी इस्तेमाल कर रहे हैं, सब कुछ इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके किस तरह से इनको लेकर आएंगे उस शुमारी के गाने में, और ये क्या कराची के मसाइल इस तरह से हल हो सकेंगे अगर आबादी कम उसको शुमार किया जाए? देखिए हमारी रिजर्वेशन सेंसस के ऊपर हैं, ना सिर्फ कराची शहर बल्कि पूरे शहर बल्कि बाकी सूबों के भी जहाँ तक मुझे याद है रिजर्वेशन हैं सेंसस के ऊपर, वो अपनी जगह पे रहेंगी। और उसका फोरम CCI है, CCI की मीटिंग भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने बुलाई मैडम 27 तारीख को है, उसमें मौका जो है हम अपना पेश करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि बाकी सूबों को भी रिजर्वेशन रही है और एक पार्लियामेंट ने तरीक़ेकार दिया था कि किस तरीके से इसको
हम वैलिडेट करें वो मौका हम रखेंगे सामने सेंसस के हमारे से। सर सेंसस के ऊपर आपको, क्योंकि वो मेरी बराह रास्त जिम्मेदारी है, प्लानिंग मिनिस्ट्री उसको देख रही है, सेंसस के ऊपर बिल्कुल सही बात है कि इसके ऊपर तहफ़ात जो हैं वो सिंध में भी थी, बलूचिस्तान में भी थी और खैबर पख्तूनख्वा में भी थी, कम से कम तीन सूबों के अंदर तो इसके ऊपर तहफ़ात आई थी। मैं सिर्फ दोहराऊंगा ये, एक तो जाहिर है आपको पता है लेकिन फिर भी आवाम के लिए याद दहानी के लिए, कि ये इस हुकूमत के वक्त में ये मर्दमशुमारी नहीं हुई थी, ये पिछली हुकूमत थी जिस वक्त ये मर्दमशुमारी की गई थी। दूसरा, कम से कम कराची का, क्योंकि मैं यहाँ का रिहायशी रहा हूँ सारी ज़िंदगी, तो ये पहली मर्दमशुमारी नहीं है जहाँ पर कराची को ऐसा लगा है कि उसकी सही आबादी जो है वो मर्दमशुमारी में नहीं दिखाई गई। ये तो हर मर्दमशुमारी में होता रहा है। हम इसलिए हमने ये फैसला किया था कि जिस तरीके से मर्दमशुमारी की जाती है, दुनिया में बड़ी तरक्की हो गई है, टेक्नोलॉजी आ गई है, उसको इस्तेमाल करने के लिए जो बेहतरीन बेस्ट प्रैक्टिसेज हैं दुनिया की, उसकी बुनियाद के ऊपर चेंज की जाए। कमेटी हमने बनवा दी है, वो अपनी सिफारिशात जो है वो पार्लियामेंट के सामने भी रखेगी, वो सिविल सोसाइटी के सामने भी आएंगे, हम यूनिवर्सिटीज़ भी जाएंगे, ताकि पूरे मुल्क के अंदर एक बहस मुबाहसे के बाद एक ऐसा निज़ाम बने जिस पर सब यकीन रखें कि हाँ अब ये काम जो है ठीक होने जा रहा है। क्योंकि सिर्फ लोगों को गिनना नहीं है, लोगों को ये भी एतमाद देना कि हाँ ठीक तरीके से गिना जाए। अच्छा सर, मेरा असद उमर साहब से सवाल है, चूँकि वफाकी वज़रा हमें कम मिल। असद साहब, मेरा आपसे सवाल है, प्लीज़ आप सुन लीजिएगा। वैसे तो गुज़िश्ता ढाई साल के दौरान सिंध की सिविल सोसाइटी को, सिंध के इंटेलेक्चुअल्स को बहुत सारे तहफ़ुज़ात रहे हैं, बहुत सारे ऐसे आर्डिनेंस जारी हुए हैं जिनके खिलाफ यहाँ बहुत सारे एहतजाजी मुजाहरे और बहुत जदोजहद होती रही है। लेकिन मेरा सवाल को मैं ज़रा स्पेसिफिक करता हूँ कि कराची के जज़ायर के बारे में एक वफाकी आर्डिनेंस जारी हुआ था जिसकी अब मुद्दत भी ख़त्म हो चुकी है 7 जनवरी को। आप चूंकि कराची से भी बिलोंग करते हैं और वफाक के मजबूत नुमाइंदे भी हैं, तो मेरा आपसे ये सवाल है, क्या अब सिंध के अवाम ये समझ लें कि आइंदा ये जज़ायर का इशू ख़त्म हो गया, या वफाक की हुकूमत फिर किसी नए अंदाज से जज़ायर पे बात करेगी, फिर कब्जे की बात होगी? देखिए, ये जो जज़ायर वाला मामला है, आपको पता है इसके ऊपर सिंध हुकूमत और वफाक दोनों का एक अलग अलग मौकफ है। कोई वफाक से कोई फौज आकर यहाँ कब्जा करने के लिए नहीं आ रही थी, उसके ऊपर बहस हो सकती है कि तरीक़ेकार बेहतर है या नहीं है, अपने अपना मौका उसके ऊपर हो सकता है। लेकिन जैसे आपने कहा कि इस वक्त तो ऑर्डिनेंस जो है वो एक्सपायर कर चुका है, जब ऑर्डिनेंस था भी तो हमने मुतअद्दद बार यही कहा था कि बेहतरीन तरीका यही है कि वफाक और सूबा साथ बैठें और साथ बैठकर ऐसा कोई तरीक़ेकार निकालें जिससे शहर के अंदर सरमायाकारी भी हो सके, यहाँ रोज़गार भी पैदा हो और कोई तहफ़ुज़ात भी पैदा ना हो। और ये जैसे अभी हम बात कर रहे हैं साथ बैठ के कराची के लिए मंसूबों की बात करें, इसी तरीके से वो भी एक मंसूबा हो सकता है जिस पर दोनों मुशावरत से काम करें। अच्छा, कराची तरक्याती पैकेज में शामिल है, कराची का इंतहाई अहम मनसूबा है, कराची सर्कुलर रेलवे। विफाकी हुकूमत की उसमें सबसे ज़्यादा दिलचस्पी जो है वो ML1 पर है, जबकि कराची के लिए जरूरत सर्कुलर रेलवे का मनसूबा है। विफाकी हुकूमत उस मामले में क्या स्टांस है? दूसरे, इस वक्त विफाक PTI की गवर्नमेंट ने गुज़िश्ता 2 सालों में कौन से ऐसे कराची में तरक्याती काम किए हैं जिसकी बुनियाद पर कराची के लोग ये उम्मीद और यकीन रखें कि ये कराची पैकेज भी मुकम्मल होगा? कोई स्पेसिफिक 2-3 प्रोजेक्ट? पहले जहाँ तक KCR की आपने बात की, तो KCR पे काम जो है वो शुरू भी हो चुका है, उसके इंटरनेशनल कंसल्टेंट्स के लिए एड्स भी निकल चुके हैं, कंसल्टेंट अपॉइंटमेंट का प्रोसेस भी शुरू हो चुका है। और इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे, क्योंकि ML1 तो बहुत लंबा मंसूबा है, ML1 मुकम्मल होने से बहुत पहले KCR जो है वो मुकम्मल हो जाएगी और कराची के शहर में आप और मैं दोनों और चीफ मिनिस्टर साहब को भी साथ लेके जाएंगे, हम उस KCR पे जाएंगे। जहाँ तक आप कराची की बात करें, देखिए यहाँ पर आपने देखा जो 5 ब्रिजेस फ्लाईओवर्स बने थे वो भी प्रोजेक्ट मुकम्मल हो चुका है, ग्रीन लाइन का फिजिकल जो इंफ्रास्ट्रक्चर का काम है वो मुकम्मल हो चुका है, बसें ऑर्डर हो चुकी हैं, फायर टेंडर्स आ चुके हैं 1.5 अरब रुपए की मालियत से, और बहुत सारी चीज़ें मारीपुर मंगूपी रोड वाला काम हो सका है। तो कई ऐसे मंसूबे हैं जो हुकूमत के आने के बाद शुरू होकर मुकम्मल भी हो चुके हैं। असद उमर साहब, मेरा आपसे गुजारिश, ये सवाल है वो ये कि इमरान साहब ने यहाँ पे ऐलान किया था 1 ट्रिलियन के लिए से ज़्यादा तरक्याती मंसूबे के हवाले से, तो ये बताइएगा कि वफाकी हुकूमत खुद अपने पैसे कितने इसमें लगा रही है जो कराची पैकेज के हवाले से बात कर रहे हैं, नंबर 1। दूसरा ये कि
अभी एक ऑडियंस की बात हुई, एक और ऑडियंस आपकी तरफ से आया है कि तीन अस्पताल जो है सिंध के NICVD, NICH और सिविल अस्पताल, फिर उसको पाक अपने कब्जे में जो है वो लेना चाह रहा है। सर ये मतलब ये क्यों है सूबे के साथ हमारे के ये यहाँ पर एक मौकफ मौजूद है कि बार बार ऐसे ऑर्डिनेंस ला के सिंध के 18 तरवीम के बाद जो अख्तियार आते हैं उसको क्यों सर्व किया जा रहा है? सर ये जो अस्पतालों वाला मामला ये वफाकी हुकूमत नहीं कर रही है, ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की बुनियाद पर किया गया था। तो वफाक के पास अभी भी हमारे ख्याल में गुंजाइश मौजूद है, अगर कोई तरीका निकाला जा सके सूबाई हुकूमत और वफाकी हुकूमत की बात अगर दरख्वास्त सुन ले सुप्रीम कोर्ट, इसका अभी भी हल निकाला जा सकता है। वो प्रोजेक्ट जो है वो हमारी अपने फैसले की वजह से नहीं हुआ था सर। पैसे, हाँ ये आखिरी चीज़ मैं इससे पहले के मुर्तज़ा वहाब है, हाँ वो है, मैं यहाँ पर मुर्तज़ा वहाब और असद उमर की वो 8 आने किसके और 12 आने किसके उसकी बहस में नहीं पड़ेंगे, हमने उसके ऊपर पूरी तफसीली बातचीत हो गई थी, उसका एक बाकायदा शेड्यूल है, उस शेड्यूल के ऊपर कुछ मेरे सजेशंस थी, कुछ चीफ मिनिस्टर साहब ने की थी, तो बड़ी हमारी अफाम व तफहीम के साथ उसके ऊपर फैसला हो गया है। और उसके बाद अगर वो चाहें, अगर सिंध हुकूमत चाहती है तो उसको बेशक पब्लिक कर दें, मुझे कोई एतराज़ नहीं, खुद पता चल जाएगा आपको कौन कितना पैसा दे रहा है।